हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप बाजार वाले गोलगप्पे मिस कर रहे हैं तो आज की मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सीक्रेट कि आप कैसे बाजार जैसे फूले फूले गोलगप्पे घर पे बना सकते हैं। तो गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोलगप्पे का डो बना के तैयार करना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल गेहूँ का आटा लिया है। आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ बाउल सूजी। हम जितना आटा लेंगे उससे आधा हम सूजी लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे पहले आप मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें डालें। अब हमें इसमें बिना मोयन डाले हुए थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए एक सख्त डो लगा के तैयार करना है। पूरी के आटे से भी ज़्यादा सख्त डो बनाना है, तभी हमारे गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे। तो एकदम हल्का हल्का पानी देते हुए आप इसका टाइट डो बना के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम सख्त डो बन के तैयार है। पूरी के आटे से भी ज़्यादा सख्त है ये डो। अब इस डो को हमें गीले कपड़े से ढक देना है 30 मिनट के लिए। पानी आप पूरी तरीके से निचोड़ कर अच्छे से कॉटन रुमाल से इसे ढक दें। 30 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। जो सूजी हमारी थी वो आटे में अच्छे से फूल गई है। तब हम 5 मिनट तक आटे को अच्छे से मैश करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो गोलगप्पा है वो फूलेगा। देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से 5 मिनट तक इसे मिला लिया है। तो जो हमारा आटा है वो थोड़ा चिकना भी हो गया है। अब फिर से वापस से इसे हम भीगे टॉवल से ढक देंगे और दोबारा 30 मिनट तक छोड़ देंगे। अब इसी बीच हम गोलगप्पे के लिए पानी भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार लिया है, इसमें मैं डालूँगी धनिया की पत्ती और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्ची गोलगप्पे के पानी को तीखा बनाने के लिए। आप चाहो तो इसमें पुदीना भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे पुदीना का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें केवल धनिया का पत्ता ही ऐड कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे एक बड़े से बाउल में आप डाल लें। पानी को हल्का खट्टा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। तो मैंने इमली के बीज को पहले से पानी में भिंगो कर रखा था। इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे और छन्नी की सहायता से छान लेंगे, ताकि कोई पल्प हो या फिर बीज हो तो वो पानी में हमारा ना जाए। देखिए इस तरीके से हम बाकी के बचे पार्ट को हम फेंक देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 गिलास ठंडा पानी। यह पानी हमारा पतला हो चुका है। अब हम इस पानी में डालेंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक। काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे सफ़ेद नमक आप कम डालें। साथ ही 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और मिर्चा का पाउडर, ये ज़रूर डालें आप अपने पानी में। बाजार वाले गोलगप्पे के पानी के टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चाट मसाला पाउडर, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच गोलकी पाउडर। बस अब पानी को मिला देंगे। आप चाहो तो जो बाज़ार में एवरेस्ट की पानी पूरी मसाला मिलती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला और जीरा मिर्ची के मसाला से भी अच्छा टेस्ट वाला गोलगप्पे का पानी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से बूंदी ऊपर से डाल रही हूँ। ये बूंदी मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा है, घर पर ही बनाया है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। बस अब मिला देंगे और यहाँ हमारा गोलगप्पे का पानी बनके तैयार है। इसे ढककर हम साइड कर देंगे। अब गोलगप्पे में फिलिंग भरने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए थे, जिसे कि मैश कर लिया है हमने। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। मैंने जीरा और मिर्ची का पाउडर पानी में डाला है और पानी हमारी तीखी बनी है, तो मैं आलू के मसाले को काफ़ी सिंपल रखूँगी ताकि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, 1/2 चम्मच नमक। नमक बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो पानी में भी नमक और फिर फिलिंग में भी नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। बस अब मसाले को हम मिक्स कर देंगे।
आप चाहो तो इसमें काबली मटर भी कुक करके डाल सकते हैं, लेकिन आलू का मसाला अगर ऐसे भी आप सिंपल बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है गोलगप्पा खाने में। बाकी के भी 30 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया है और काफ़ी टाइट भी हो गया है ये। अब हम इसमें से मीडियम साइज का एक पेड़ा निकालेंगे और हाथों से अच्छे से इसे अब चिकना करके बेलेंगे। तो बेलने के लिए आप यहाँ पे तेल, घी या फिर सूखा आटा का यूज़ ना करें, क्योंकि ये आटा इतना सख्त है कि आपका चिपकेगा नहीं। आसानी से इसे आप बेल सकते हैं, देखिए तो आप बड़ा सा रोटी जैसा इसका शीट बेल लें, रोटी से थोड़ा पतला बेलें। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा शीट बेल लिया है। अब आप किसी भी चीज़ के ढक्कन से या फिर छोटा सा गिलास हो आपके पास तो उससे भी आप इसके शेप गोल गोल कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा एक ढक्कन ले रही हूँ, इससे हम छोटे छोटे गोलगप्पे के शेप निकाल लेंगे। आपको जितना बड़ा शेप चाहिए आप उतना बड़ा गोलगप्पा का रख सकते हैं, छोटा बड़ा आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा बड़े गोलगप्पे के साइज रहेंगे तो वो मुँह में जा नहीं पाएंगे, तो आप थोड़ा मीडियम साइज का ही बनाएं। अब इस तरीके से हम आटे को निकाल देंगे और जो ये हमारा गोलगप्पा बना है इसे हम एक एक करके इस तरीके से उठा लेंगे ताकि ये चिपके ना। देखिए कितना आसानी से ये निकल जा रहा है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें सारे इस तरीके से गोलगप्पे को रखेंगे और अब एक भींगा हुआ रुमाल से हम इसे ढक देंगे ताकि ये सूखे ना, क्योंकि एक बार में हम ढेर सारा बेलकर तैयार कर लेंगे तो इसके लिए तब तक ये सूख जाएगा। तो आप भींगा हुआ कपड़ा या फिर कोई भी रुमाल से आप इसे ढक दें ताकि ये सूखे ना। ये तो एक तरीका था जिससे आपके सारे गोलगप्पे एक जैसे निकलेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से छोटे छोटे लोई बना लें और फिर इसे गोल गोल पतला पतला आप बेलें। तो इस तरीके से करने में कभी आपका गोलगप्पा छोटा बनेगा, कभी बहुत बड़े बन जाएंगे, एक जैसे शेप नहीं रहते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसे ढक्कन से ही काट काट कर बनाएं। यहाँ पे देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिया था। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोलगप्पे को फ्राई करने के लिए आपका तेल एकदम धुआंधार गर्म नहीं होना चाहिए। गोलगप्पे को आप लो फ्लेम पे ही डालें और इस तरीके से झरने की सहायता से इस पर प्रेस करें ताकि ये फूल जाए। और लो फ्लेम पे ही हमें गोलगप्पे को फ्राई भी करना है। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे गोलगप्पे को फ्राई करेंगे तो वो लाल तो हो जाएगा पर क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो आप लो टू मीडियम कर सकते हैं फ्लेम को कभी कभी बीच में, लेकिन अगर आपका आँच ठीक है, अगर सारे गोलगप्पे फ्राई हो रहे हैं तो आप लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। तो ये देखिए मेरे गोलगप्पे यहाँ पर फूल गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे गोलगप्पे फूलेंगे, कुछ पचकेंगे भी और कुछ फूलेंगे भी। देखिए धीरे धीरे फ्लेम पे मैं दोनों तरफ से गोलगप्पे को अच्छा लाल करना है, हमें सिर्फ गोल्डन नहीं करना है, पूरी तरीके से लाल करना है ताकि क्रिस्पी हो खाने में। थोड़ा टाइम लगता है इसे फ्राई करने में, लेकिन आप टाइम देकर ही इसे फ्राई करें। तो यहाँ हमारे गोलगप्पे लाल हो गए हैं, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। उसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल के रखा है और गोलगप्पे कितने अच्छे तरीके से फूले फूले बने हैं हमारे। ये भी लाल हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो है ना घर में आसानी से बनाना गोलगप्पे बिना मेहनत के। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्रिस्पी करारे गोलगप्पे बनके तैयार हैं, देखिए है ना एकदम मार्केट वाले गोलगप्पे। अब यहाँ पे पानी, फिलिंग्स और गोलगप्पे सब रेडी है, तो देरी किस बात की, चलिए मैं आपको फिल करके बताती हूँ। तो यहाँ पे एक हम गोलगप्पा उठाएंगे, देखिए बहुत ही क्रंची है, कितना अच्छा लग रहा है ये जब पहले इसे फोड़ा है तो एकदम बाज़ार वाले गोलगप्पे की फीलिंग आ रही है। अब इसमें हम आलू को भर देंगे और फिर पानी को एक बार हम चला लेंगे ताकि जो भी नीचे बैठा हो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम पानी को भरेंगे। तो यहाँ हमारे बाज़ार वाले पानी पूरी बन के तैयार हैं। तो इस लॉकडाउन में अगर आप घर पे बैठे हैं और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो बिना देरी शुरू हो जाइए और बना लीजिए गोलगप्पे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।